सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम ठीक हैं। तो आज हम आपको ले जाने वाले गुलडंडा। आज है 25 दिसंबर 2022, आज है क्रिसमस। तो गुलडंडा में बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे, आज बहुत भीड़ होगी वहाँ पर। तो हम भी जा रहे हैं, मेरा फ्रेंड आ रहा है, तो हम उसके साथ जाएंगे गुलडंडा। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज़, हमारे सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। हम आज चार बंदे जा रहे हैं। मैं हूँ, विश्वजीत है और साथ में उसके दो दोस्त हैं। तो इस वक्त हम पहुँचे हैं नालठी विलेज से थोड़ा सा आगे लेफ्ट साइड, देख सकते हैं कि है बशोली ब्रिज। इसकी इनॉग्रेशन अभी हुई नहीं है, इसमें अभी पेंटिंग का काम चला हुआ है। तो हमने ये पुराना वाला पुल ले लिया। तो भद्रवाह से करीब 40 मिनट का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। इस जगह को बोलते हैं गुलडंडा व्यू पॉइंट। तो ये जो सामने आप ग्लेशियर देख रहे हैं, ये है भद्रवाह का मशहूर आशापति ग्लेशियर। इसको भद्रवाही में सोनबाई के नाम से जानते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है कि इसको सोनबाई क्यों बोलते हैं, तो वो मैं आपको फिर दूसरी वीडियो में बताऊँगा। तो हम यहाँ पर रुकेंगे, फोटोज़ वगैरह लेंगे, फिर हम आगे का अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू करेंगे। बड़े बंदे आए यहाँ पर। तो ऊपर अभी हमें हाँ, पहले मैगी वैगी बनाते हैं, वापसी पे इसी यू पे आना है। तो व्यू पॉइंट पे फोटोज़ वगैरह लेने के बाद हम चल रहे हैं आगे की ओर, जो मेन गुलडंडा है उसकी तरफ। आज क्रिसमस है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं, बहुत से टूरिस्ट आए हुए हैं। ये बाहर के 14 हुक्के वाला अंकल किधर है? बस हाँ, यहीं पे रुकना है, यहीं पे रुकना है। हम भी स्लाइड खेलेंगे ना, स्लाइड नहीं तो इधर नीचे के लिए आ जाए। मैं सेक्सी बंदा यार, ये देखा था मैंने। ये लेते हैं विश्व, ये लेते हैं विश्व। अगर इस बर्फ पे कोई गिरा ना, कोरे वाली है, उसे लगेगी, कोरे वाली है। जैकेट पे विशु, तेरी जैकेट स्लिप करेगी, मेरे नहीं करेगी। आज पकड़ेंगे सारे शराबी, अब चॉकलेट खाने से मुझ नहीं जाएगी। रोटी रखे थे आज तो समझे कि वाले जान। और ठीक है, ठीक सैड हो जा, सैड हो जा, सैड हो जा, सैड हो जा, सैड हो जा। तू अकेली है ना, ये स्लिप भी ज्यादा होती है। बढ़िया दीदी, वो थोड़ी इधर निकल। जब इन्होंने बोला कि चॉकलेट खाने से कुछ नहीं होगा, तब मैंने पहचाना। बर्फ में चलते चलते बंदर फंस जाता है। पीछे बर्फ गई है, साफ कर। पीछे गई है बर्फ, क्या तू भी गिरा गया इसमें? घुसा यार, मेरे को लगा सख्त होगी। ये बाहर से सख्त है ना, अंदर से नरम है। पूरा गीला हो गया यार अंदर से। तो गाइस, हम पहुंच गए अभी गुलडंडा में। तो हम हैं चार लोग, मैं, विश्वजीत और दो उसके फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है। आज क्रिसमस भी है तो काफ़ी ज़्यादा लोग भी आए हुए हैं, काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, मगर ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी मैं आपको बर्फ़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ऊपर से थोड़ी सी हार्ड है, मगर जैसे अंदर से दिखाओगे, ये देखो बिल्कुल ये क्रिस्टल टाइप है। इसको अगर आप ऐसे इसका गोला बनाने की कोशिश करोगे तो इसका गोला बिल्कुल भी नहीं बनेगा। जैसे चीनी नहीं होती है, बिल्कुल वैसी है ये क्रिस्टल वाली बर्फ। तो ये नरम ही है, इसमें ऊपर तो स्लाइड तो खेल ही नहीं सकते हो, स्लिप हो रहा है यार। ये नहीं होती कंप्रेस, जैसे वो चीनी की तरह। हाँ हाँ बिल्कुल चीनी, क्रिस्टल टाइप। मेरे जूते के अंदर बर्फ गई यार, मैंने पहना भी हुई है ना जाली वाला। चल वो बोला बोला मैट मैटला मैटला लेके आना, ये नहीं मैं बोल रही, उसको लेके आता हूँ शूज से।
मैट लेके, मैट लेके आया। किसका है वो मैट, किसका है? होता है स्लिपी है। एक वीडियो बनाना है यार। मेरी स्वेटर के अंदर भी बर्फ। मेरी स्वेटर, मैं ट्राई करूं पहले। मुझे लग रहा है मैं सीधे कोठे के ऊपर ना पहुंच जाऊंगा। ज्यादा स्लिप नहीं कर रहा एक्सपीरियंस की क्या है इसका। मैं ऐसे ही बनाऊं गुरु को हाथ से खुद ही हाथ में रखूंगा। अब ऐसे फोन बर्फ से टूटे हुए मतलब बैठना कैसे, ये ज्यादा स्लिप हो रहा है। ये रुकता ही नहीं है। जा लेके आता हूं मैं। जा लेके ये पता ज्यादा स्लिप कर रहा है। रुकेगा नहीं, नीचे पहुंचेगा। नहीं वैसे करो ना, बीच में ऐसे ना पलटा मार देना। इसके बिना ही करो, बड़ा अच्छा स्लिप हो रहा है। हमने किया ना इसके बिना, इससे ज्यादा स्लिप हो रहा है। कि बर्फ भी हार्ड लग भी रही है। नहीं हार्ड नहीं है। हाथ लाल हो गए मेरे पूरा। ये तो बननी चाहिए। मेरे जेब के अंदर बर्फ, जेब के अंदर बर्फ है मेरे। छोड़ो छोड़ो हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। रुक जा रुक जा। ओके ओके विशु के, विशु वो तो किधर पहुंचा है। हाथ हो गया पूरा लाल। मेरे बेटा छोड़ दो छोड़ दो, पैर करो, कुछ नहीं होगा। डर लग रहा है। नहीं 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 होगा। इधर से इधर चले गया ना यार, मुझे लगा तू गया सीधे कोठे पे। एक काम करते हैं, नहीं नहीं एक काम करते हैं ना, तीनों तीनों में बैठे, एक आगे फिर दूसरा फिर तीसरा। नहीं 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 इस पे थोड़ी ऐसे ही, शूज पे, शूज पे। मैं पहले इस पे ट्राई करूं जैसे हमने पिछली बार किया था। मेरे तो जेब में बर्फ है, शूज में बर्फ है। एक साथ रेलगाड़ी बना के शूज पे नहीं, नीचे बैठ के, नीचे बैठ के हो जाएगी ना। आओ भाई हमें मैगी बनानी है। नितिश आप चले क्या? आओ रेड रेड पीछे बैठ, नीचे नीचे बैठ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैगी नीचे बनाएंगे। हाँ दूर है होटल बड़ा। नहीं खुद बनाएंगे, मजा आएगा। रुको यार, आ रहा है ऊपर, एक नहीं कर रहा। आ रहा है, आओ साथ आना। ठीक है दैट सेट गो। मैं स्लिप नहीं हूं। छोड़ मुझे, मुझे छोड़। छोड़ा यार तुझे। चल 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 चल, ब्रेक लगा सकते हैं यार, ब्रेक लगा। हां भाई हाथ खत्म मेरे, मेरा तो बर्फ गई है। हमारे हाथों के तो भाई हाथ दिखाना लाल किस किस के हुए। ये किसका मैट है? किसी गाड़ी का ही है। अभी बाद में आएंगे, बहुत बहुत ज्यादा ठंड लग रही कसम से। एक फोटो ले लो, पहले गर्म होता है ना, अभी आएंगे ना उसके बाद फिर आएंगे। ओ तेरी हां, लकड़ी यहां पर बच गया। अभी शो आग जलाई वहां पर, हाथ हाथ सेकते हैं। चलो भाई वहीं पर ही चलते हैं। जाओ यार आप, जल गया जल गया भाई। अभी रखो बेटा, पता नहीं चल रहा है। आप कहाँ से आए हो? दिल्ली से। फंस गए हो मथुरा में? हाँ इधर फंस गए। कैसा लगा है? हाँ बढ़िया है। यहाँ नहीं रहा पर कमरे में, कमरे में यहाँ नहीं रहा। चलो भाई देख लो ये गजब। अब अपना पीछे भी यहाँ नहीं रहा, किसी के भी कपड़े जिसका भी गीला हो रखा है तो सब बैठ के लो। नहीं भाई मेरा आई में आई मनु आई है। ये पैर क्यों मार रहे हो? मेरे लिए भी गीली होगी जैकेट भी। ये जली है ना, इसी को ही जलाएंगे अच्छे तरीके से। तो गाइस आज यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट आए थे, जैसे मैंने बताया कि आज क्रिसमस भी है। तो ये जो पीछे अभी ये टेम्पो में जा रहे हैं, ये दिल्ली से आए हुए बंदे, तो फर्स्ट टाइम इनका मथुरा में था, कभी वापस जा रहे हैं। और अभी जो यहाँ पर ये दुकानें वगैरह भी होती थी ना, तो ये भी सारी भी बंद है। तो बाकी जो कुछ टूरिस्ट आए वो यहाँ नीचे बैठे हुए हैं, यहाँ पर खाना वगैरह खा रहे। टमाटर वगैरह कुछ नहीं मेरे पास। इधर ही बनाते हैं। इधर नहीं यार। हाँ हाँ। यार भाई पता क्या ना, इधर नहीं जलेगी आग। जली हुई है भाई। इधर इधर नहीं जलेगी आग, जलाओ। जली हुई ना वो यार, दिखते जैसे हो, छोड़ यहाँ पे। यार विशु अगर भैंस का गोबर है तो उसको क्या हो रहा है? सामान लेके आ, मेरे जेब में देखना क्या है। बर्फ तो भाई, तो अभी लग रही हमें बहुत ज्यादा भूख, तो हमने यहाँ पर बनाने के लिए लाई है मैगी। तो मैगी बनाएंगे, ठंड बहुत ज़्यादा है, आग भी चलेगी। नहीं हिला सारा सामान, बोला तो नहीं कुछ। तो रास्ते में हमें चश्मा मिला था, तो वहाँ से हमने ये पानी भी भर लिया है मैगी बनाने के लिए।
वो बोल रहा है ये तो तू बोल रहा अच्छी नहीं है ये नहीं है आओ तो देखते पहले यार टाइले लगी होते देखना टाइले क्या करनी थे पता क्या ना बंद है ना तो आराम से आग भी सेकेंगे इधर इधर देखिए साफ कर ये साफ कर ये साफ कर ये साफ कर इससे नहीं कर रहा हाथ से साफ कर दौड़ो बोते हैं किधर है ओ, ये तो घर तो है एक दिन तो गिरे यार इसकी मुझे टेंशन है यार ए, नहीं तो एक गिर जाए ये तो क्या मजा है विश्व यार इधर मस्त है यार भाई घर इधर भी है उधर यार नहीं तो गिरे यार ये पहले टेढ़ा है ये वाला सही है यार देखो बीयर पी इधर चकमा यहाँ पे था मैंने साइड की बनानी इधर खानी बाहर है तेरी खानी बाहर तू खाना खाएंगे बाहर खाएंगे चल बाहर खाने का ठीक है बाहर खाएंगे बना तो लो पहले यार कितनी लकड़ी मैगी बनानी है एक लकड़ी ढूंढ रहे महीने के लिए ये उठाओ ये उठाओ ये पतली पतली उठाओ तंतु यहाँ से जलती है तंतु ओए नबे किधर जा रहे हो बस करो यार अब इस टाइम ना ऊंचा भी है जितने भी बकरवाल थे ना वो यहाँ से चले गए तो उनके ये डेरे खाली हैं सही है साफ है हाँ भाई यार हम अपने ना एक फ्लैट चूज कर रहे हैं मगर पता नहीं चल रहा है कौन सा चूज करे ये वाला मस्त लग रहा है हमें इसे ही यार चाय बनाएंगे एक में मैगी बनाएंगे पतीला एक ही हमारे पास क्या है पतीला एक ही है कड़ाई एक ही है हमने फाइनली ये अपने लिए फ्लैट चूज किया कितने का विश्व ये फ्री 40,000 देना होगा अमन का ना पूरी जिंदगी का चल गई चल गई आग जल गई 20 मिनट हो गए आग जलाते जलाते आते कैसे हो गए जली आग जली सही मैगी भी बनी बुलाओ उनको अब डालते डालते अभी मैगी मैगी मसाला कौन डाल रहा अभी एक इसकी अपनी थ्योरी यार डाल जलेगा यार भाई मेरे जलेगा ये सेरी वाली मैगी ग्राहकट व्हाइट है यार तो आप डाल आपने डाल कैसा टेस्ट है खा बोलो कैसा है नहीं बनी यार अभी कहाँ है पानी पानी कहाँ है इसी बर्फ ला बाहर से बर्फ डाल कर कसम टेस्टी बनी है तुम टेस्ट की है आओ आ जाओ भाई तो एक घंटे बाद हमारी मैगी बन गई है विशु टेस्ट करके बता पहले कि कैसी है एक नंबर पहाड़ों वाली मैगी कच्चे प्याज तेल भी अभी कच्चा ही है इसका नाम मैंने पहाड़ों वाले क्यों रखी हाँ मेरे पास ज्यादा है खुद की देख और मेरी देख किसकी ज्यादा है रात तक बैठे फिर भी नहीं थकता फोटो लेने से इसलिए मैं बोल रहा हूँ चलो तीनों का कुछ फिर नहीं बोलना तुझे माँ क्यों समझदार है चले चलते हैं यार चलो विशु मेरी कढ़ाई कोठे के अंदर नजर मार कुछ रहा तो नहीं उसके अंदर कुछ नहीं लाएगा था कढ़ाई ली थी मैंने बिस्किट वगैरह थे उधर मोटा है देखिए इधर पता चलेगा टाइम क्या मेरा फोन तेरे पास है ना बना वीडियो से सेक्सी जैसी तो खूब सारा एंजॉय करने के बाद बहुत सारे फोटोज और रील्स बनाने के बाद अब हम जा रहे घर को क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है तो गाइज हम भदरवा पहुंच गए हैं और अब हम सारे फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि हम जो है वो नॉन वेज सूप पियेंगे और साथ में खाएंगे नॉन वेज मोमोज तो हम यहाँ पर रेंडा रोड के सामने एक स्टॉल है जहाँ पर कि बहुत ही टेस्टी सूप और काफ़ी टेस्टी जो है चिकन मोमोज मिलते हैं तो हम ये खाएंगे फ्राई ऊपर नहीं 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 नॉन वेज मोमोज कैसे प्लेट है 80 रुपये खाने कर लो गरम दो प्लेट मोमोज और चार चार हाफ सूप काम करते हैं
चिमटा नहीं लाया, चिमटे से पागल ना। ये कितने के मोमोज? 80। वो है क्रीम है, क्रीम मेयोनीज चटनी भी काम है यार। तो गाइज़ हम पहुंच गए घर में, तो यहीं पर करते हैं हम अपने आज के व्लॉग को एंड। आई होप गाइज़ आपने व्लॉग को एंजॉय किया तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नए दिन एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।